चैनल मोटिवेशन फन एंड एंटरटेनिंग टेल्स। मैं हूं आपकी दोस्त निशा। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ हाजिर हूं। जी हां, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड शब्द हमने बहुत सुना है और हमने ये भी सुना है कि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। आपने कभी रॉन देवो की बुक पढ़ी है द सीक्रेट, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो कि बहुत ज्यादा लॉस में थी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, पर ग्रैटिट्यूड की पावर ने उन्हें बहुत कुछ जिंदगी में दिला दिया। उनकी लाइफ कहां से कहां पहुंच गई। जब एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में होता है जो नया नया बोलना सीखता है, हम उसे क्या सिखाते हैं? थैंक यू और सॉरी बोलना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ग्रैटिट्यूड में बहुत ज्यादा पावर है। हम अपने बच्चे को वो ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहते हैं ताकि लाइफ में उसे हमेशा सक्सेस मिले। जी हाँ, आज की कहानी जो है वो ग्रैटिट्यूड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की है। अगर सच में आपको ग्रैटिट्यूड की पावर समझनी है तो ये स्टोरी बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बार एक आदमी था जो ग्रैटिट्यूड की पावर को बहुत अच्छे से समझता था। हर चीज के लिए वो भगवान का, अल्लाह का धन्यवाद करता था। सुबह आँख खुलते ही ग्रैटिट्यूड से उसका दिन शुरू होता था। हर चीज के लिए वो हर किसी को थैंक्स कहता था। सोकर उठ पाया क्योंकि उसे एक नर्म बिस्तर मिला, जिसके लिए भगवान का धन्यवाद। वो उठकर बाथरूम जा पा रहा है क्योंकि उसके घर में पानी है, उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, और इस सब के लिए वो भगवान का धन्यवाद करता था। हर किसी को वो हर किसी चीज के लिए थैंक्स कहता था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उसे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हो रहे थे। एक आदमी ने उसके बहुत सारे पैसे देने थे, पर अचानक से उसे फोन उठाना ही बंद कर दिया, और जब बात हुई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये आदमी थोड़ा परेशान हुआ, पर इतना भी नहीं, उसके अंदर गुस्से की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई। उसने फटाफट से गाड़ी निकाली और वो उस आदमी के घर की तरफ चल दिया। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि वो आदमी जिसके पैसे उसने देने हैं वो उसके घर के बाहर आ गया है, वो छुपने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा कि आ गया पैसे मांगने। खैर, उस आदमी ने कहा कि वो पैसे मांगने नहीं आया है, बल्कि वो थैंक्स कहने आया है। थैंक्स? ये सुनकर वो हैरान हो गया कि मैंने तो आपके पैसे देने हैं, उसके बाद भी आप मुझे थैंक्स यू कह रहे हो। उस आदमी ने कहा, थैंक्स, पिछले जन्म में हो सकता है कि मैंने किसी का कोई उधार चुकाना हो, मैंने किसी के कोई पैसे मारे हो, कोई बुरे कर्म किए हो, तभी तो आज मेरे साथ ये बुरा हुआ है, और आपने मेरी मदद की है। वो उधार चुकवाने में, मेरे उन बुरे कर्मों से मुझे निजात दिलवाने में, मेरे सर से वो भार उतारने में आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपकी वजह से मेरी आगे वाली जिंदगी, आपकी वजह से मेरे आने वाले जन्म सफल हो पाएंगे। वो आदमी जो कि बहुत ज्यादा झेल चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसे रियलाइज हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। किसी के पैसे मारकर वो अपना आज ही नहीं खराब कर रहा, बल्कि अपना कल भी खराब कर रहा है। अपना ये जो जीवन वो जी रहा है, सिर्फ उसे नहीं स्पॉइल कर रहा, बल्कि इस सबका उसके आने वाले जीवन पर भी बहुत असर पड़ेगा, और उसे इस गलती की कभी माफी नहीं मिलेगी। उस आदमी ने उसके बाद ये ठान लिया था कि वो कभी किसी के पैसे नहीं मारेगा, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो, वो इस भले मानस के पैसे चुका कर ही रहेगा। जी हाँ, देखा ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। अगर आप सॉफ्टली सोचते हो, गुस्से में नहीं सोचते, गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो आप सही डिसीजन ले पाते हो, आप सही रास्ता चुन पाते हो, और ये सही रास्ता ही आपको सही दिशा में ले जाता है, और तभी आपको अपनी मंजिल मिलती है। उम्मीद है ग्रैटिट्यूड की पावर मैं आपको कुछ हद तक समझा पाई होंगी, और अभी इस टॉपिक पर हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, बहुत सारी और भी कहानियां शेयर करेंगे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम इस जर्नी को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाए, और ये जो रिश्ता हमने बनाया है वो रिश्ता अटूट रिश्ता बने, हम एक दूसरे का साथ कभी भी ना छोड़े। तो चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद लॉट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। बाय बाय।